बिग बॉस सीजन 17 को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है सोशल मीडिया पर नहीं मिलेगा कोई भी अपडेट। जी हां, आपको बता दें टीवी का सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस को लेकर कोर्ट ने फरमान जारी किया है, जहां पर बताया जा रहा है 17वें सीजन की अवैध स्ट्रीमिंग को रोकने के लिए निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने शो के कंटेंट के अवैध डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। दरअसल कई वेबसाइट पर शो के आने वाले या बीते एपिसोड का प्रसारण दिखाया जाता है, जिससे शो के निर्माताओं को घाटा हो रहा है। पीटीआई द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक वायकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने जो है कोर्ट के एक याचिका दायर की है, जिसमें कई वेबसाइट के बारे में बताया गया है जो बिना लाइसेंस और अनऑथराइज तरीके से शो के ब्रॉडकास्ट कर रही हैं, शो के कंटेंट का अवैध रूप से ब्रॉडकास्ट कर रही हैं। वेबसाइट के कारण पायरेसी को बढ़ावा मिल रहा है, इसके साथ ही इससे आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई वेबसाइट अवैध रूप से बिग बॉस का प्रसारण करती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर आप आपत्तिजनक वेबसाइटों पर लगाम नहीं लगाई गई तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। वहीं आपको बता दें कोर्ट ने यह भी बोला है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे जियो सिनेमा आदि सब्सक्रिप्शन वेबसाइट प्लेटफॉर्म है, और अगर अवैध वेबसाइट पर शो का कंटेंट टेलीकास्ट किया जाएगा होता है तो ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए भी भारी नुकसान होगा। वहीं बात बता दें आपको, कोर्ट ने यह भी बताया है कि कोर्ट ने बिग बॉस के किसी भी एपिसोड के प्रसारण टेलीकास्टिंग स्ट्रीमिंग या रीट्रांसमिटिंग और होस्टिंग पर रोक लगा दी है। साथ ही ये भी कहा है अगर बिग बॉस के नाम की कोई भी वेबसाइट या इसका प्रसारण करने वाली कोई अन्य वेबसाइट पाई जाती है तो इनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। तो बता दें आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही सामने आई जा रही है। बताया जा रहा है कि बिग बॉस 17 को लेकर सोशल मीडिया पर कोई अपडेट नहीं मिलेगी, क्योंकि भाई जिस तरह से कई वेबसाइट ऐसी है जिन पे अपने आप ही कहानी बना दी जाती है, कभी कुछ बोल दिया जाता है, तो जिसके चलते कोर्ट ने इन पर रोक लगा दी। वेल, आपका इस पर क्या है कहना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए।